बोल भी गलती हो गई, मतलब इतनी नॉलेज है ही नहीं, तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट फॉर पहले से ही थी, सॉरी फॉर दैट। बस दो तीन बात करनी, हमारा जो थीम है वो है क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। जो हमारा ये स्काई है इसका रंग आपने पढ़ा होगा, अपने टीचर जो आपके टीचर उन्होंने आपको पढ़ाया होगा, जो स्काई का रंग होता है वो एक चीज व्यूअर को पता है, व्यूअर सुना है, व्यूअर सुना है, सात रंग होते हैं हमारे माहौल में, ठीक है। उसी की वजह से जो हमारा स्काई होता है इसका रंग ब्लू आता है, ठीक है, वरना स्काई का कोई असल रंग नहीं है। स्काई एक्चुअली में कोई चीज है ही नहीं इसका रंग कुछ को, मतलब लाल हो सफेद हो, जो हमारा व्यूअर है उसी की वजह से हमारे स्काई ऊपर आपको नजर आ रहा है इसका रंग ब्लू आ रहा है, ठीक है। तो इसका एक ही वजह है व्यूअर, ठीक है। और व्यूअर कब मतलब अपना इफेक्ट दिखाता है, जब हमारा एयर जो हमारे मतलब अराउंड है अगर ये साफ होगा तो तब हमारे स्काई का कलर ब्लू आएगा। तो अगर हमारा जो एयर है हमारे अराउंड जो एयर है अगर ये खराब होगा तो हमारे जो स्काई का कलर वो ब्लू नहीं दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आज दूर ये है बादल है, ठीक है, तो हमें आसमान दिखता है नहीं दिखता है, क्यों? क्योंकि बीच में बादल है, बाहें बादल बीच में सफेद नजर आते हैं, ऊपर स्काई नजर नहीं आता है। इसी तरह अगर जो हमारा हवा है जो हमारे अराउंड हवा है अगर थोड़ा खराब हो गया तो जो हमारे स्काई का रंग है वो हमें अच्छे से नहीं दिखेगा, ठीक है। अब ये रंग किस तरह खराब होता है इसका मसला एक्चुअली मसला हमें क्या है, जैसे हमारे पास कोई बीमार आता है तो हम उसको टेस्ट करते हैं, इसका मतलब सीबीसी इन्फेक्शन मत है या ग्लूकोज मत ज़्यादा है या कोई एक्सरे करके कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है। तो इसी तरह अगर हम अपने जो माहौल का टेस्ट करते हैं वो किससे करते हैं, वो हम देखते हैं जो हमारा आसमान वो हमें नज़र आता है कि नहीं आता है। अगर आसमान नजर आया डैट मीन्स कि हमारा जो हवा है हमारा जो माहौल है वो बिल्कुल साफ है। अगर आसमान नजर नहीं आया तो इसका मतलब है कि जो हमारा हवा है हमारा पानी है हमारा जो अराउंड जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल खराब हो चुका है। जैसे अभी यहाँ पे हम यहाँ पे रह रहे हैं अभी तो माहौल ठीक है, मगर हम बाहर जाएंगे दिल्ली जाएंगे या बाहर बड़े बड़े सिटी में जाते हैं वहाँ पे बिल्कुल अभी आसमान बिल्कुल नहीं दिखेंगे, ना को रात को तारे दिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो हवा है वो बहुत आउट हो चुका है। अब ये मस्त है हमारा थीम, असल में मकसद क्या है हमारा, हमारा मकसद है कि अवेयरनेस पहुँचाना घर घर तक, लोकली बच्चों को टीचर्स को जो घर पे काम कर रहे हैं या जो जॉब कर रहा है कोई उसको अवेयर होना चाहे कि हम एयर पोल्यूशन कैसे कम करें। उसके दो तीन मतलब बहुत सारे हमारे स्टेप करने चाहिए, उसके लिए हम जो मेन मेन स्टेप है वो हम क्या कर सकते हैं। पहली बात जो हम अगर स्कूल की बात करेंगे, स्कूल में क्या करेंगे, हम ग्रीन कॉर्नर लगाएंगे। ग्रीन कॉर्नर का मतलब हम थोड़ा पेड़ लगाएंगे, जो हमारा स्कूल है इसके इर्द गिर्द हम थोड़ा ग्रीन मतलब पेड़ लगाएंगे। उससे क्या होता है जो ये गंदा हवा होता है जो आलूदा हवा होता है वो सारा कौन लेते पेड़ देते हैं, तो जो साफ हवा वापस देते हैं और साफ हवा हमारे माहौल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात यह होगी कि मैं सर से भी ये गुजारिश करता हूँ कि अगर हो सके पॉसिबल जो आपकी ये स्कूल है इसके अराउंड ग्रीन बेल्ट लग जाए, थोड़ा सा पेड़ लग जाए तो वो बेहतर रहेगा। दूसरी बात, अब आप हर किसी को घर जाना है, बच्चों को भी घर जाना है या जो टीचर्स को घर जाना है, क्या करना है, हमें जो वहाँ पे जो गार्बेज जो मतलब निकलता है हमें इसको सेग्रीगेट करना है, तकसीम करना है। एक तो पॉलिथीन अलग रखना है, वो जो दूसरा होता है जो मतलब ये होता है जो खाते हैं कुछ वो मतलब जो डिग्रेड होता है उसको हम अलग रखेंगे, और जो पानी वानी वेस्ट होता है हम थोड़ा अलग रखेंगे। अब क्या करना है, जो वो चीज़ें हम खाने में मतलब जो फेंकते हैं, जैसे हम कुछ चावल खाते हैं रोटी खाते हैं कुछ खाते हैं जो हम फेंकते हैं, हम कोई गड्ढा बनाएंगे छोटा सा बनाएंगे घर पे, हम उसको उसी में डालेंगे तो उसको ऊपर से ये लगाएंगे तो वो खुद ख़त्म हो जाएगा। और अब जो बाकी चीज़ें उसको हम ऐसे हवा में पूरे नहीं जलाना है, क्योंकि अगर हम हवा में ऐसे जलाएंगे कोई सी चीज़ों को तो वो जो धुआं निकलता है वो धुआं पूरे हमारे माहौल को ख़राब करेगा। ये दो बात है मेन अहम। तीसरी बात तो वो उतना यहाँ पे है ही नहीं, फिर भी मैं कहता हूँ जो हम ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ वाड़ियाँ हम जितना हो सके ट्रांसपोर्ट कम यूज़ करना है। जैसे मेरे स्कूल अगर स्कूल आपको थोड़ा आधा किलोमीटर है या 400 मीटर है या 100 मीटर है तो बेटर है कि आप चल के आ जाओ। उससे क्या फ़ायदा होता है, एक तो हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी, हमारी बॉडी की जो हालत है वो बेटर हो जाएगी, दूसरा हमारा माहौल बच जाएगा। ये तीन चीज़ें हैं। अब एयर पोल्यूशन जो होता है इससे क्या होता है, देखो एयर पोल्यूशन से हमारा नुकसान होता है हमारे माहौल का, हमारे पानी गंदा होता है, हमारा हवा गंदा होता है, हमारे आसमान नहीं दिखते हैं, मगर उससे ज़्यादा असर पड़ता है हम इंसानों पे। हवा पे तो ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, मगर वो ज़्यादा असर पड़ेगा वो पड़ेगा हम इंसानों पे पड़ता है। कैसे, मैं आपको बोलूँगा ड्यू टू अकॉर्डिंग टू हेल्थ एस्पेक्ट, मैं आपको बोलूँगा कैसे असर पड़ता है ज़्यादा इंसानों पे। पहली बात, जब हवा ख़राब होती है तो हम पहले सांस लेते हैं,
तो जो हमारा ट्रैकिया होते हैं, हमारे लंग्स होते हैं, इसमें बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं जो आजकल देखते हो सिटीज में। अस्थमा होता है, सीओपीडी होता है, निमोनिया होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, जो बड़े बड़े इन्फेक्शन होते हैं जो बाद में मतलब बहुत मुश्किल होता है ट्रीट करना या जिनकी वजह से बहुत डेथ भी हो रहे हैं। तो पहली बात है हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन वो हवा की आलूगी से बढ़ जाते हैं। दूसरी बात, जब हवा की आलूगी बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की कमी कम हो जाएगी और जो गंदे गंदे गैस वो बढ़ जाएंगे, उससे हमारे हार्ट पर बहुत असर पड़ता है। तो क्या होता है, हार्ट अटैक के चांसेस बहुत बढ़ते हैं, अचानक से मौत हो जाते हैं, हार्ट की वो जो फंक्शन वो कम होती है, जो बॉडी में वो जो एक्चुअली पोटेंशियल वो बहुत कम हो जाता है। उससे बावजूद इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे कैंसर से जो कैंसर से हमें पता चला पिछले 20-30 साल से हम जा रहे हैं कैंसर कोई चीज़ है। ये वजह क्या है, ये वजह मेन यही है, हमने बहुत सारी चीज़ें आलूदा की, हमने पानी को पोल्यूट किया, हमने एयर को पोल्यूट किया, हमने जो जो सारी चीज़ हमारा जो खाना है, हमारा रहना है, हमारे कपड़े वो हमने सारा पोल्यूट किया, उसकी वजह से बहुत सारे कैंसर की रेट बढ़ गई। जैसे लंग कैंसर है, हमारे स्टोमा कैंसर है, ऐसे ऐसे बहुत बड़े कैंसर है जो मतलब किसकी वजह से, आलूदगी की वजह से बढ़ रहे। और जो एक बार कैंसर हो गया, खुदा ना खास एक बार कैंसर हो गया, फिर उसको इलाज करना ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल है, एक तो मुश्किल इम्पॉसिबल होता है क्योंकि वो बहुत होता है। और इससे बेटर क्या है, हम पहले ही उसको रोक दें। तो ये एक बड़ी फेमस सेइंग है जो हम स्कूल में पढ़ते हैं और हर कोई कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो बेहतर है कि जब हम कोई इलाज करें उससे पहले उसी को रोक लें। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उसका यही मकसद है, जो हमारा माहौल है, हमारा एयर है, हमारा वाटर है, हमारा खाना है, हमारे कपड़े हैं, उसको हम साफ रखें, उसको पोल्यूट ना करें, बस यही मेन, ठीक है। ये कुछ चीज़ें याद रखें, बाकी अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेस्पेक्टेड डॉक्टर्स एंड डियर टीम्स, माय डियर स्टाफ मेंबर्स एंड माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सबसे पहले मैं परवरदिगार का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इस जैसे माहौल में पैदा किया। इसके बाद मैं आप सब लोगों का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, मेडिकल टीम का, जिन्होंने यहाँ पे आके हमारे बच्चों के लिए एक ऐसा प्रोग्राम रखे जो किसके बारे में था, एयर पोल्यूशन के बारे में था। अगर आप सब लोगों को पता है सांस में ना कसम जिंदगी में यो तो जो सांस में ना जिंदगी होता आयर चीज वो जो चीज ला सांस जो ऑक्सीजन आप लोग लेते हैं क्यों मतिस सर जो हमारे डॉक्टर ने आप लोगों को अच्छे से एलोबरेट करके आप लोगों को समझा दिया इसका कंसिक्वेंस नतज क्या होता है अगर एयर पोल्यूशन करने से उससे किस तरह के डिजीजे पैदा होता है उन सब के बारे में आप लोगों को आगाह कर रहे थे हमारा डॉक्टर सर, आपका देख दिल से शुक्रगुजार हूँ सर। बाकी मैं क्या कहूँ, आप लोग खुद पता है आप लोगों के सिलेबस में भी है शायद सेवंथ वालों के, ये तो मैं जो एटमोसफेयर के बारे में अभी लगभग थर्ड क्लास से शुरू साइंस में थर्ड क्लास से आना शुरू हो गया है लगभग, ये तो मैं जनता समय आया पोल्यूशन एटमोसफेयर लिथोसफेयर हाइड्रोसफेयर स्टेथोसफेयर सब नाता पूरा तांस्यो क्यों, क्योंकि ड्यू ये सारे चीज़ें नातम ना इंटरलिंग यो तो मैं जो ये सारे चीजें चाहे एटमोसफेयर का जिक्र करे, हाइड्रोसफेयर का जिक्र करे, लिथोसफेयर का जिक्र करे, ये सारे हमारे लिए अल्लाह ताला ने बनाया है। अल्लाह ने जो 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 भी यहाँ पे जितने भी स्फीयर्स बने वो स्फीयर्स जो सिंतु बाकी सर ने और एक अच्छा कोटेशन भी बता दिया कि यंता से तो प्रिवेंशन इज बेटर देन ngatang sag is not you mobatix nan la jira matu jo ngatia tapuni misach go de zan la dos nan la sho mira mata chi jo yahi usi kangatis ka tika dos va jo prevention is better than cure tan ko galti ngates galat chi shi jese ki water pollution yotna air pollution yotna noise pollution yotna ya tarah tarah ki jo pollution se us pe usko kya karna hai कंट्रोल करना है। इन जमीन चुप जो उनका मकसद भी यही था, उनमें से आज आप लोगों को एक थीम उन्होंने आप लोगों को समझा दिया किसके बारे में, एयर पोल्यूशन के बारे में। बाकी तो मैं ज्यादा आप लोगों का वक्त न लेते हुए यहाँ पे ही इख्तिताम करता हूँ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल कारगिल टुडे, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोस, लाइक अस ऑन फेसबुक एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today. The only voice of Kargil Ladakh.